नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई ने भारत को अपने गेहूं का निर्यात बढ़ाने का दुर्लभ मौका दे दिया है। दुनिया में गेहूं के कुल निर्यात में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी 30% है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई के कारण दुनिया में गेहूं की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है और ये घरेलू न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर जा चुकी है। कई देशों ने इसके लिए भारत से संपर्क किया है। साथ ही सरकार भी गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए परंपरागत बाजारों से संभावनाएं खोज रही है। भारत के पास गेहूं का विशाल भंडार है। सूत्रों के मुताबिक इजिप्ट, इजराइल, ओमान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका ने गेहूं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत से संपर्क साधा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई से दुनिया में खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। भारत ने साथ ही उन देशों से भी संपर्क साधा है जो भारत से गेहूं नहीं खरीदते हैं। इनमें तुर्की, अजरबैजान, सूडान, मोरक्को, तुनिशिया और लेबनान शामिल हैं। तो सरकार साथ ही गेहूं के निर्यात से जुड़ी अड़चनों का दूर करने के प्रयास कर रही है। इनमें बंदरगाहों और रेलवे से जुड़ी लॉजिस्टिक समस्याएं शामिल है। साथ ही फसल को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। गेहूं के निर्यात में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री भी रेलवे और पोर्ट अथॉरिटीज के साथ बात कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक मिश्र, इसराइल, ओमान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका ने भारत से गेहूं आयात के लिए ऑर्डर भी दिया है। तो साथ ही बता दें, भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक है। 2020 में दुनिया के कुल गेहूं उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 14.14% रही थी, लेकिन दुनिया में गेहूं के कुल निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम रही है। 2020-21 में भारत ने यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया जैसे बाजार अपने साथ जोड़े हैं। वहीं इजिप्ट उन देशों में शामिल है जो रूस और यूक्रेन से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात करते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में करीब 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस साल भारत अब तक 66 लाख टन गेहूं का निर्यात कर चुका है, जो 2020-21 की तुलना में 3 गुना अधिक है। 2020-21 में भारत ने 21.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। अधिकारियों ने कहा है कि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि देश से अच्छी क्वालिटी का गेहूं निर्यात हो, ताकि लंबे समय तक इन देशों को गेहूं की समस्या जो है वो किया जा सके। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि माल ढुलाई की ऊंची दर और शिपिंग कंटेनर्स की कमी भारत के प्रयासों में अड़चन पैदा कर सकती है। अगर इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो विश्व वित्त वर्ष 2023 में भारत लक्ष्य से दूर रह सकता है और करीब 80 लाख गेहूं का निर्यात किया जा सकेगा। 2016 से 2020 के बीच भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। 2016 में ये 0.14% था, जो कि 2020 में बढ़कर 0.54% हो गया था। तो ये थी बात कि भारत को अपने गेहूं का निर्यात बढ़ाने का जो शानदार मौका मिला है। कई देशों ने भारत से गेहूं मंगाने के लिए संपर्क भी साधा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।